फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी आप देखेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में कमलेश सर से समझेंगे। और आपको बता दें, प्रॉफिट और लॉस की जब बात आती है ना, ये लाइफ का है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हर एक स्टेप बाय स्टेप, अगर जब भी हर एक स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ दुकान जा खरीदना होता है ना, कुछ सब ले वापस लेना होता है, तो कितना का सामान है, कितना वापस आया वहां भी आप देखेंगे, या कोई बिजनेस करता है तो कितना का खरीदा कितना में बेचा है ना, खरीदने का दाम ज्यादा था या बेचने का दाम ज्यादा था, ये आपका जो खरीदने का दाम था उसको किराया मूल्य बोलते हैं, उसको सीपी बोलते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जो बेचने का दाम होता है ना उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं, या फिर उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, या फिर उसको हम शॉर्ट में एसपी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें, अगर मान लो कि 20 रुपया का सामान अगर हम खरीदते हैं, सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, और इसको हम बेचते हैं एसपी में, हम बेचते हैं 25 रुपया में, क्या बेचे 25 रुपया बेच दिए, इसका क्या मतलब, तो फायदा हुआ कि घाटा हुआ, सिंपल से बात देखते हैं, इसको समझेंगे कैसे, समझने का तरीका देखते हैं। अगर कोई सामान 20 रुपया में खरीदे और एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है 25 रुपया, तो फायदा कैसे होगा, तो पता चला क्या कि जब हम लोग एसपी या फिर ऐसा करते हैं ना, 25 में से 20 को सबट्रैक्ट कर देते हैं, 25 में से 20 सबट्रैक्ट कर दिए, तो पता चला क्या 5 रुपीज आ गया, तो 25 क्या था मेरा एसपी, सबट्रैक्ट किया किसको 20, क्या था मेरा सीपी, इसका क्या मतलब एसपी माइनस सीपी करेंगे ये मेरा प्रॉफिट होगा, समझ में आया बात, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला समझ में आ गया, एसपी माइनस सीपी करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लो कि सीपी ही 25 रुपया होता और एसपी हमारा यहाँ पे 20 रुपया होता, मतलब क्या खरीदे कोई सामान 25 रुपया में और बेचने गए तो भाव गिर गया है ना, भाव गिर गया तो भाई कितना बेचा है, चलो कम से कम के बेच के भागो, तो 20 रुपया में बेच दिए, तो खरीदे हैं 25 में, 25 में से 20 जाएगा, ये हमारा सीपी लॉस हो गया ना, हमारा 5 रुपया है ना, क्या हो गया 5 रुपया ये लॉस हो जाएगा, तो सीपी में से एसपी अगर हम लोग यहाँ पे सीपी 25 था, एसपी अब हमारा 20 हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा लॉस हो जाता है, ये एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कोई दिक्कत, तो जब एसपी में से सीपी घटाएंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, और सीपी में से एसपी घटाएंगे तो सबट्रैक्ट करेंगे तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे आसान से बना लेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है भाई, सीपी है हमारा ना कितना 5000 रुपीज है, इतना ये रुपीज है, ये सिंबल जो है ना रुपीज का सिंबल है, ये सिंबल रुपीज का है, 5000 सीपी है, एसपी क्या दिया हुआ भाई रुपीज है ना 6000। अब यहाँ पे देखने से ही लग रहा है खरीदे हैं 5000 में और बेचे हैं 6000 में, तो प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट इक्वल टू कितना होता है हमारा एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो प्रॉफिट अगर हमारा क्या होता है एसपी हमारा 6000 है और ये हमारा सीपी 5000 है, तो 1000 का मेरे पास क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है पी, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 1000 रुपीज, लॉस अभी यहाँ का हमारा कुछ नहीं हुआ है ना, लॉस कुछ नहीं हुआ है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या देखें, इसको हटा दे, समझ में आ गया होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप, हैं समझने वाले। नेक्स्ट, ये 1 का था, 2 में देखो भाई, एक बात और बता दें, अगर प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट निकालना होगा तो हम लोग करते क्या है, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना होता है ना, तो प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय सीपी कर दो, या फिर अगर ऐसे लिखा रहता है प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100, बात बराबर है ना, बात क्या है बराबर है, जैसे मर्जी कर दो, चलो इसको भी निकाल ही देते हैं, तो प्रॉफिट हमारा कितना था 1000 है ना इनटू 100 कर दो, सीपी हमारा कितना था देखो यहाँ पे 5000 है ना, चलो 5000 कर ले, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कहानी खत्म। अब ये 5 2 10 है ना, 1 0 और बच गया 20, इसका क्या मतलब 20% हमारा इसमें प्रॉफिट हुआ है, तो लॉस परसेंट कुछ नहीं आया, क्योंकि लॉस नहीं था, प्रॉफिट आया 20%, समझ में आया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, आप लोगों को लिखना होगा, पॉज कर लो, लिख लो आसानी से है ना, प्रॉफिट परसेंट भी निकाल दिए, प्रॉफिट भी निकाल दिए, मिलाते हैं, वेरी गुड, क्योंकि क्वेश्चन 2 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है सीपी 12000, कितना है
सीपी दिया हुआ है 12,000, एसपी दिया हुआ है 10,000, दिया है एसपी 10,000। अब देखो खरीदे हैं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ना, क्रय मूल्य हो गया ना, खरीदे हैं 12,000 में, अब बेचे हैं 10,000 में, तो फायदा हुआ है नुकसान हो गया भाई? 12,000 ला गया, 10,000 में दे दे, 2,000 रुपए अगर लॉस हो जाता है तो लॉस यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये सीपी माइनस एसपी जिसमें आपका हुआ क्या 12,000 माइनस 10,000 है ना, तो आपका 2,000 का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, क्या होता है ये लॉस इक्वल हो गया टू एल, हम लिख दिया शॉर्ट में है ना। अब अगर हम यहाँ पे लॉस परसेंट की बात करें तो क्या होगा, लॉस पर डिवाइड बाय सीपी इनटू 100 ये होगा ना, लॉस हमारा है 2000 है ना, डिवाइड बाय सीपी, सीपी हमारा है 12,000 इनटू 100 यहाँ पे दे दे, काटो भाई, 1, 2, 3 कट गया, 2, 6 जा कट गया, फिर काटेगा ये 3 से, अरे 2 से काट, 2, 3 जा 50 जा, मतलब कितना हो गया 50/3 आ गया, ये 50/3। अब इसको डिवाइड टू परसेंट, कितना परसेंट हो गया, ये तो आप ऐसे फ्रैक्शन में भी ला सकते हो या फिर पॉइंट में ला सकते हो, कैसे भाई, फिर से डिवाइड करो 50 को है ना, 63 जा 48 आया 2, पॉइंट देंगे 0 देंगे, 6 3 3 6 18 फिर आया 2, फिर देंगे 0 दिए, 6 6 6 6 बढ़ जाएगा आपका, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, चलो लिखते हैं यहाँ पे लॉस हो गया हमारा है ना, प्रॉफिट अभी इसमें नहीं हुआ हमारा, लॉस हो गया 2000 का है ना, लॉस परसेंट आ गया हमारा 16.66% का हमारा ये लॉस है, ठीक है, तो 2 का समझ में आ गया। अब है 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या, सीपी हमारा दिया हुआ है 1800 है ना, 1800 रुपीज में है ये, एसपी हमारा दिया हुआ है रुपीज में 2400 है ना, ये दिया हुआ है, तो खरीदना 1800 बेचना 2400 फायदा वाली बात है ना, तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना आएगा, एसपी माइनस सीपी, याद हो गया क्वेश्चन ये फॉर्मूला। अब हम करते हैं कि एसपी हमारा है कितना 2400 माइनस 1800 है ना, तो क्या हो गया भाई 0 0। अब यहाँ पे 14 में सेट जाएगा ना, 4 में सेट जाएगा नहीं, तो ये किससे लेंगे, 14 में सेट जाएगा कितना का 6 बच गया, अब ये 1 1 0 हो गया कहानी, मतलब कितना आपका प्रॉफिट इक्वल टू ₹600 हो गया है, ठीक है, तो प्रॉफिट हम यहाँ पे क्या लिख दे, यहाँ पे 600, कोई दिक्कत नहीं है। अब 600 यहाँ पे, अच्छा एक बात, ये रुपीज में है, आप ये रुपीज देना ना भूले है ना, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए दिक्कत हो सकता है ना, अभी तो हम बता रहे हैं क्योंकि देना ना भूले, लेकिन अगर आप एग्जाम में नहीं देते हो तो वहां पर नंबर कट सकता है, ठीक है, तो ये दे देंगे रुपीज। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट, क्या बताए थे भाई, प्रॉफिट परसेंट निकल दो, बोलो 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 क्या होगा, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100 है ना, तो प्रॉफिट क्या हमारा 600 है ना, और डिवाइड बाय सीपी हमारा 1800 इनटू 100 है ना, 100 0 0 0 0 63 जा, अब कितना आ गया 100/3 100/3 आ गया, जो अब इसमें भी डिवाइड करके लग गया, तो इतना परसेंट आप लिख दो, नहीं तो फिर आप क्या क्या लाते हैं, पॉइंट में लाते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं किसको 100 को, कितना कर दो 3 3 9 वन आया, 0 आया, फिर 3 3 9 फिर वन आया, अब तो नहीं ऊपर पॉइंट की कोई डिजिट तो है नहीं के लिए, क्या करेंगे हम यहाँ पे पॉइंट दो भाई 0 दो, फिर 3 3 9 फिर वन आया, फिर पॉइंट दिया, 1 0 दे सकते हैं, पॉइंट दिए हुए हैं तो आप 1 0 दे सकते हो है ना, फिर 3 3 9 मतलब क्या 3 3 3 3 बढ़ते रहेगा, तो आप हमने ला रहे हैं कि जो प्रॉफिट परसेंट में, तो 3 3.33 %, में आपका ये बढ़ता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखो अब कैसे होगा, लिखना होगा, पॉज करोगे, लिख लोगे, एक एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्लास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस सब में आपका ये क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है, क्लास 5, 6, 7, 8 सब में प्रॉफिट और लॉस है ना, इसको आप आसानी से बनाने का तरीका देख ले, आसान से बनाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सीपी इक्वल टू दिया हुआ रुपीज कितना 5400, एसपी इक्वल टू रुपीज कितना 7200,
मतलब क्या 5400 रुपीज है मेरा क्या सीपी और बेच दिया 7200 में, इसका क्या मतलब फायदा तो है, कितना है भाई निकालो तो देखे, एसपी माइनस सीपी होगा प्रॉफिट इक्वल टू, ठीक है कितना होगा भाई 7200 माइनस 5400 हो गया जीरो से जीरो, जीरो से जीरो आ जाओ 12 में से 4 गया 8, ये जीरो है 12 क्योंकि ये 2 है ना, 2 में से 4 जाएगा नीचे लेंगे, 12 में से 4 गया तो 8 गया, 6 में से 5 गया 1, वाह भाई बहुत अच्छा फायदा हुआ है, कितना हुआ 1800 रुपए फायदा हो गया, क्या हुआ फायदा प्रॉफिट रुपीज में आया, वेरी गुड। तो आप यहां पे प्रॉफिट के सामने लिख दो कितना रुपीज 1800, वेरी गुड। अब क्या निकाले परसेंटेज निकालो, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100, वेरी गुड। कितना होगा प्रॉफिट क्या है हमारा भाई 1800 एंड डिवाइड बाय सीपी कितना था 5400 इनटू 100 जीरो 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 काट दो, आप कितना से काटे ये ऐसा करो ना आसानी से काटना है, इसको छोड़ दो है ना, ये जीरो से ये जीरो से जीरो काट दिए, अब कितना मेरा 18 3 जा आसानी से कर दिया, फिर आया हमारे पास कितना 100/3 आ गया ना, अब यहां भी 100/3 था तो भी आप ये भी 100/3 आ गया, इसका क्या बनेगा यही आ जाएगा हमारे पास फिर से 33 पॉइंट है ना 30 प्रॉफिट है ना यही पे 33.33%, ठीक है डिवाइड करेंगे अभी तो 100 से 100 में डिवाइड किए थे 3 से 100 को, तो आप इससे जो जस्ट 2 मिनट पहले वाली बात है देख लोगे इसको है ना, बार बार डिवाइड करने में टाइम पास होगा, आप भी थोड़ा मेहनत कर लो बाबू, ठीक है नेक्स्ट हो गया लिख लोगे पॉज करके लिखो, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आओगे यहां पे क्या, चलो सीपी इक्वल टू 9100 एसपी इक्वल टू 8000, अब देखो 9100 सीपी है 8000 एसपी है, तो 9100 रुपया में 9100 में खरीदे थे सामान और 8000 में बेचे, तो स्वाभाविक बात है लॉस हो गया भाई, घाटे का सौदा है ये है ना, तो लॉस इक्वल टू क्या होता है एसपी सॉरी क्या होता है सीपी, वेरी गुड सीपी माइनस एसपी, वाह तो वैसे ही सीपी बड़ा है ना, सीपी बड़ा है एसपी छोटा तो लॉस हो गया, तो कितना आ गया भाई ये 9100 माइनस 8000 करा दो, 0 में से 0 गया 0 ये 0 1 में से वो 0 गया 1 और 9 में से 8 गया 1 1100 का मेरे पास क्या हो गया भाई लॉस हो गया, बहुत बुरी बात है भाई, लॉस इक्वल टू 1100 निकालो, लॉस परसेंट इक्वल टू कितना लॉस बाय सीपी इनटू 100 याद हो गया होगा और याद करो कितना भाई 1100 डिवाइड बाय सीपी 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 9100 इनटू 100 ठीक है 0000 करते वाला है क्या, अब कितना हो गया ये 11 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1100 डिवाइड बाय 91 ये आपके पास आया, ये परसेंटेज हुआ, तो बाबू इतना सारा डिवाइड दे कराए थे ना आप एक डिवाइड करो ना थोड़ा सा कर लोगे ना पॉइंट में आएगा, पॉइंट वाला डिवाइड करने का भी प्रैक्टिस होगा, ठीक है इतना तक हो गया आपका लगभग मेरे ख्याल से लिख देते पहले, लॉस हमारा ये कॉलम है लॉस हुआ हमारा 1100 है ना, लॉस परसेंट में आप यहां निकालो, हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं 1100 डिवाइड बाय 91%, आप क्या करोगे इसको 91 हां एक बात और ये होमवर्क रहा, आप इसको परसेंट पॉइंट पर निकाल के मेरे कमेंट वाला पे कमेंट बॉक्स से भेजोगे है ना, अपना नाम हम लिख के भेजोगे कहां से हो कौन स्कूल से हो किस क्या करते हो किस क्लास के हो और अपना ये है ना आंसर भेजोगे सब समझेंगे आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है तो समझ में आता है तो दूसरे को भी समझाना चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे भाई ये दूसरे को शेयर कीजिए बताइए है ना कि यहां से पढ़ो भाई अच्छा है और आप सब्सक्राइब करो बहुत अच्छा काम होगा ये, ताकि जब जब हम अपडेट करेंगे आपको मिलता रहेगा है ना, और ये क्या कहते हैं समझ में आता रहेगा, ठीक है तो उसका वो करना ना भूलें।